जीवित अनुग्रहकारी महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, हे मेरे सनातन के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप दयालु, आप दया सागर, करुणा निधान, सत्य प्रतीक, प्रेममय प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, आप धन्य हैं प्रभु जी, आप धन्य हैं। हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति गान करते हैं मेरे पिता, आपके जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु जी। ये कितना भला है मेरे पिता कि हमें यह बड़ा सौभाग्य प्रदान किया है आपने कि प्रभु जी हम आपकी महिमा करें, हम आपकी बड़ाई करें, आपकी प्रशंसा करें मेरे पिता, हम आपके नाम के जय जयकार करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु जी आप सर्वस्य महान प्रभु जी, आप सबों से महान, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप इस पृथ्वी के प्रभु जी अधिकारी हैं मेरे पिता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव जंतुओं पर, हर एक मनुष्यों पर, हर एक चीज़ों पर प्रभु जी आपका अधिकार है। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे खुदावन। आज के सुंदर सुबह में मेरे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु जी, दाऊद कहता है कि भोर के समय प्रभु जी तू हमारी पुकार को सुनता है। हाँ मेरे प्रभु जी, हम भोर के समय आपकी दुहाई देते हैं, हम भोर के समय प्रभु जी आपको पुकारते हैं। मेरे प्रभु जी आज हमारे दुहाई को सुन, हमारी प्रार्थना को सुन प्रभु जी, हमें आशीष प्रदान कर, हमें प्रभु जी हर एक प्रकार से ब्लेस कर, हमें आशीषित कर। हे मेरे खुदावन, मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आज के सुबह में पिता आपने हमें रात भर संभाला, हमें आशीष दिया, हमें हर एक प्रकार के संकटों से, विपत्तियों से, अपदाओं से पिता, हर एक प्रकार के दुर्घटनाओं से, संकटों से मेरे पिता, हर एक प्रकार के जादू टोने से पिता, हर एक प्रकार के विषैले जीव जंतुओं से, दुश्मनों से, बैरियों से प्रभु जी आपने हमें बचा कर रखा, अपने पंखों की आड़ में, अपने गोद में प्रभु जी हमें सुरक्षित जीवित रखा। पिता अपने दूतों का बाड़ा हमारे घरों के ऊपर लगाया और हमारे घर के हर एक लोगों को ब्लेस किया, आशीषित किया, आपने सुख शांति की नींद प्रदान किया। मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु जी, हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया मेरे यहोवा प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद 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 करते मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 18 में, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। हाँ मेरे यहोवा परमेश्वर, आप हमें हर एक प्रकार के संकटों से मुक्त करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है वो दुहाई देने वालों की सुनता है। यदि आप लोग प्रभु की दुहाई देंगे, प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को अपने दुखों को बताएंगे, दाऊद क्या करता था, दाऊद अपने दुखों को दिल खोल कर प्रभु के सामने रखता था। दाऊद कहता है मैं अपनी सारी चीज़ों को वो अपने मन की भावनाओं को, उनके मनों में जो भी विचार थे, जो भी प्रार्थनाएं थे, जो भी इच्छाएं थे, वो दिल खोल कर दाऊद अपने प्रभु के सामने रखता था और प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनता था। यदि आज आपके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी बीमारी आपको सता रही, चाहे वो जनरेशन कर्ज हो, चाहे कुछ भी हो, आपके आपके वंशजों का दुख हो आपको सता रहा है, आपके पीढ़ियों का दुख हो वो आपको सता रहा है, तो आप लोग चिंता ना करें, आप लोग प्रार्थना करें, आप लोग प्रभु की दुहाई दें, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको छुड़ाएगा। प्रभु बोलता है हर एक संकट से उसे मुक्त करता है, प्रभु आपको मुक्त करेगा हर एक संकटों से, चाहे वो किसी भी प्रकार की कैंसर हो, टीबी हो, मलेरिया, जो भी बीमारियां आपके जीवन में, असंभव असंभव बीमारियां हो, कुछ भी हो, प्रभु आपके जीवन से उस चीज़ों को निकालेगा, आपको आज़ाद करेगा। आप फिर प्रभु के गुणगान को करेंगे, फिर प्रभु की आप महिमा करेंगे। प्रभु बोलता है संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और ऐसा ही होगा कि प्रभु आपको छुड़ाएगा और आप उस टाइम प्रभु की महिमा करते थकेंगे नहीं। आप लोग सचमुच प्रभु को पुकारे, प्रभु छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको हर एक प्रकार के दुखों से आज़ाद करेगा, वो आपको चंगाई देगा, वो अपने आकाश रूपी भंडार को खोलेगा, आपके कर्ज को दूर कर देगा। आपके जीवन में कोई भी मुसीबत है, उन तूफानों को प्रभु शांत करेगा। आपके जीवन में जो भी प्रकार के तूफान है, जो भी प्रकार की आपके घरों में लड़ाई झगड़ा होती है, आपके घरों में अशांति है, प्रभु शांति दाता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिसका मन टूटता है प्रभु उन्हें संभालता है। आज के सुबह में अपने मनों को, अपने मुँह को खोलें और दिल खोल कर प्रभु के सामने अपनी विनतियों को रखें, अपनी इच्छाओं को रखें, ताकि प्रभु उन इच्छाओं को सुने
और आपकी हर एक प्रार्थना को सुनकर उनका उत्तर दे, उनको आपके जीवन से दूर करे, हर एक दुखों को, हर एक संकटों को दूर करे। आप लोग शर्माए ना, आप लोग अपनी प्रार्थना को प्रभु के सामने रखें, हर एक लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी आज की सुबह के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी आप हमारे बीच में, हम भाई बहन के बीच में, हमारे भाई बहन के बीच में, और हम हर एक भाई बहन को, हर एक माता पिताओं को जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु जी इनके जीवन से हर एक दुखों को प्रभु जी दूर कर, जो भी समस्याएं, बीमारियां, जो भी चिंताएं लेकर ये लोग बैठे मेरे पिता, आज तो इनके जीवन से दूर कर, इन्हें आजाद कर, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीषित बना मेरे पिता, हम आपसे विनती कर। और आज के इस दिन में ये भाई बहन जो भी कार्य करे प्रभु जी, उस कार्य से प्रभु जी आपकी बड़ाई हो, हे मेरे पिता परमेश्वर, वे हर एक कार्यों में प्रभु जी सफलता हासिल करे। मेरे पिता तू उन्हें ब्लेस कर, उन्हें आशीषित कर, क्योंकि प्रभु जी तू ही राह दिखाने वाला है। हम लोग केवल अपने मार्गों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु आप हमारे मार्गों को सीधा करते हैं, आप ही हमारे प्रभु जी रास्तों को सीधा करते हैं। प्रभु जी आपने बोला धर्मियों का मार्ग कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, धर्मियों का मार्ग आप ही सीधा करते हैं प्रभु जी, लेकिन विधर्मियों का मार्ग आप विनाश की ओर लेके जाते हैं। प्रभु जी आज सभी धर्मी लोग प्रभु जी आपकी दुहाई दे रहे, इस दुख के टाइम में प्रभु जी, इस कोरोना वायरस के टाइम में मेरे प्रभु जी आप उनकी प्रार्थनाओं को सुन। आज जितने भी भाई बहन आज हॉस्पिटल में पड़े हुए अपने अपने मौत से जंग लड़ रहे हैं मेरे खुदावन, तू उन्हें उस जंग विजयी बना मेरे पिता, प्रभु जी तू उनका सहारा बन, तू उन्हें उठा मेरे प्रभु जी। जो लोग आज बेड पर पड़े हुए हैं पिता, आज जो सोच रहे प्रभु जी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता मेरे पिता, लेकिन प्रभु जी आप जहाँ रहते हैं आप प्रभु जी निर्बलताओं को प्रभु जी बलवंत बनाते हैं। जो लोग प्रभु जी असहाय होते हैं मेरे प्रभु जी, आप उन्हें सहारा देते हैं। जो प्रभु जी जो कमजोर होते हैं, जो असक्त होते हैं पिता, आप उन्हें बलवंत करते हैं, उन्हें हिम्मत और प्रभु जी सामर्थ्य प्रदान करते हैं मेरे खुदावन। आज तो उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर और वो उठ के चलने पाए, दौड़ने पाए मेरे खुदावन। मेरे पिता आज जो लोग प्रभु जी चल फिर नहीं पाते, देख नहीं पाते मेरे पिता, आज प्रभु जी आपके नाम से वे चले, देखे, दौड़े मेरे खुदावन। मेरे पिता आज हर एक लोग हर एक बीमारी से आज़ाद होने पाए। आज जितने लोग प्रभु जी कर्जे में, बीमारियों में पिता, आज तो उन्हें आज़ाद कर, छुटकारा दे, उन्हें चंगाई दे, उन्हें ब्लेस कर मेरे पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रार्थना नहीं कर पा रहे मेरे पिता, आज हम उन लोगों को आपके हाथों में सौंपते मेरे यहोवा, मेरे परमेश्वर, उन्हें आपके हाथों में सौंपते, उन्हें प्रार्थना में मजबूत कर, उन्हें प्रार्थना लाइफ में आगे बढ़ा पिता, उन्हें वचन का नॉलेज दे मेरे पिता, वे आपके वचनों को समझे और प्रभु जी आपके मार्गों पर चले, उनका मार्ग प्रभु जी उनका मार्ग सीधा कर मेरे पिता। प्रभु जी आप उन्हें अपने मार्गों की शिक्षा दे मेरे पिता, उन्हें अपनी दया से भर दे मेरे पिता। आज प्रभु जी हर एक लोगों को तो प्रभु जी ब्लेस कर, आशीषित कर प्रभु जी, उन्हें अपने प्रभु जी उनके हर एक अपराधों को क्षमा कर मेरे पिता। उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जितने भी प्रकार के पाप किए हैं प्रभु जी, उनके अपराधों को तो क्षमा कर प्रभु जी, क्योंकि आप बोलते हैं कि तेरा पाप कितना भी लाल क्यों ना हो, वह हिम की तरह श्वेत हो जाएंगे। पिता आप उनके अपराधों को याद न कर प्रभु जी, तो उनके पापों को ना देख तो प्रभु जी उन्हें देख। आज प्रभु जी उन्हें चंगा कर, उन्हें आज़ाद कर। और मेरे पिता जिस प्रकार आप इब्राहिम के साथ रहते थे, इसहाक के साथ रहते थे, दाऊद के, यूसुफ के साथ रहते थे मेरे पिता, आज तो उन भाई बहनों के साथ रहे। और आज जितने भी लोग घरों से बाहर जाएंगे, अपने कामों से, ऑफिस, दफ्तर या कहीं भी जाने वाले मेरे पिता, अपने रिश्तेदार या अपने कामों से प्रभु जी घर से बाहर जाने वाले मेरे पिता, उन्हें हर एक प्रकार के संकटों से प्रभु जी, हर एक प्रकार के एक्सीडेंट से प्रभु जी आज तुमने बचा कर रख। अपने दूतों को आदेश दे मेरे पिता, ताकि वे उनकी रक्षा करें और सही सलामत उन्हें अपने कामों तक, अपने ऑफिस तक लेके जाए और वापस लेकर आए मेरे पिता। हम उन लोगों को, हम उन सारे भाई बहनों को, उन परिवारों को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता, और आपके पवित्र लहू से उन्हें ढकते हैं मेरे पिता। तू उन लोगों पर दया कर मेरे यहोवा, मेरे खुदावन, जीवित सामर्थ्य करने वाला परमेश्वर, आप उन लोगों पर दया कर और प्रभु जी उन्हें आशीष प्रदान कर। हम आपसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।